एसपी कार्यालय का घेराव करने जा रहे युवक कांग्रेसियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के द्वारा आज एसपी कार्यालय का घेराव करने का प्रयास किया गया, जिसमें पुलिस ने प्रदर्शनकारी कांग्रेसियों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान कांग्रेस पार्टी ने विरोध जताया कि रीवा जिले में नशे का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है, आए दिन गोलियां चल रही हैं, कानून व्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर गई है, जिसके विरोध में कांग्रेस पार्टी के द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव कर ज्ञापन सौंपने जा रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन की तानाशाही के चलते उन्हें रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पुलिस नशे के खिलाफ अधिक से अधिक कार्यवाही करने का दावा कर रही है, लेकिन आज तक कोई भी सरगना पुलिस के हाथ नहीं चढ़ा है। आज भी पूरे रीवा जिले में नशाखोरी, लूट, हत्या जैसे अपराध आए दिन हो रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन खुद ही अपनी पीठ थपथपा रहा है। देखा गया है कि भारी संख्या में कांग्रेस पार्टी के बैनर तले पार्टी कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारी एसपी कार्यालय जा रहे थे, तभी उन्हें रास्ते पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उन्हें पुलिस लाइन स्थित अस्थायी जेल ले जाया गया। बाद में उन्हें कार्यवाही कर निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया। इस दौरान युवक कांग्रेस के अनूप सिंह चंदेल, एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष मंजुल त्रिपाठी तथा योगिता सिंह सहित सैकड़ों युवा कांग्रेसी उपस्थित रहे। प्रस्तुत है अनूप सिंह, युवक कांग्रेस के पदाधिकारी एवं एसडीएम शैलेंद्र सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। मास्क नहीं लगा, पीछे हो जाओ, मास्क लगा लो सब लोग। मंजून ज्यादा बात कर निकले तो हम लोग खतरा महसूस, आज जब तहते ये सभी हम सभी बहने निकलती हैं तो एक खतरा मन में बना रहता है कि हम लोग सुरक्षित घर पहुंच पाएंगे या नहीं। ये जो वातावरण बना है इसको व्यवस्थित करने का संकल्प। रीवा जिले की अब पूरा पुलिस प्रशासन निरंकुश हो गया है, कानून व्यवस्था पूरी पटरी से उतरी हुई है, जिसके विरोध में आज युवा कांग्रेस एक एसपी ऑफिस का घेराव कर ज्ञापन के लिए हम लोग जा रहे थे तो गिरफ्तार किया गया, हम लोगों को यहां पे लाया गया है। आज चाहे कोरस के लिए, नफीली दवाइयों के लिए पुलिस विभाग ये कहता फिर रहा है कि हमने पिछले 2 सालों में सबसे ज़्यादा कार्रवाई की, लेकिन आप सबके सामने रिजल्ट है कि कोरेक्स जितनी ज़्यादा कार्रवाई है उससे कहीं ज़्यादा कोरेक्स शहर के अंदर बिक रही है, और जिले का युवा जो है उससे भ्रमित होकर गलत दिशा की ओर जा रहा है। लगातार पूरे शहर के अंदर गोली चलने की घटनाएं हो रही हैं, उस पर पुलिस प्रशासन अंकुश लगाने पर पूर्णतः विफल रहा है। आज तक किसी ऐसे व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं हुई जो शहर के अंदर ये असलाह ला के नवयुवकों को, बेरोजगारों को सप्लाई करते हैं और अपराध में बढ़ा रहे हैं। आज तक पुलिस विभाग ऐसे व्यक्ति का नाम बता दे कि एक भी व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई हुई जो शहर के अंदर ये असलहे का सप्लाई करता है। हमारी बहनें जो लगातार इस जिले से पर दिन हर दिन 3 से 4 महिलाएँ जो है बहनें जो है गायब हो रही हैं, उसका कहीं पता नहीं है। पुलिस विभाग लगातार निष्क्रिय है, कोई भी मामले में गंभीरता से नहीं लेते। इनके संबंध अपराधियों से अच्छे होते हैं, हर जगह पे इन्होंने रेट फिक्स कर रखे हैं, और अपराधियों से होते हैं सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक व्यक्ति से नहीं होते संबंध। एक इनका नारा हुआ करता था देशभक्ति जनसेवा, तो आज अपनी भक्ति और अपराधियों की सेवा नारा बदल गया है। आज पूरे जिले के अंदर अव्यवस्था का आलम हो गया है। जल्द से जल्द अगर पुलिस विभाग इस पर कार्रवाई नहीं करता है तो युवा कांग्रेस पूरे जिले के हर थानों का घेराव करेगा। जब तक कानून व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हो जाती,
यहाँ का युवा, यहाँ की महिलाएं, बहनें घर से निकलने से बाहर अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं, तब तक युवा कांग्रेस उन सभी साथियों का, युवाओं का, महिलाओं की लड़ाई लड़ेगा। गिरफ्तारी की गई है, क्या मामला? आज कुछ मुद्दों को लेकर और स्थानीय हमारे प्रशासन और इससे के विषयों को लेकर कांग्रेस पार्टी की जो युवा कांग्रेस है उसके कुछ लोगों के द्वारा एकत्रित होकर और प्रतीकात्मक तौर पर अपना प्रदर्शन किया गया था। उसी में करीब 50-51 लोगों को प्रतीकात्मक तौर पर लोगों ने लेकर यहाँ पुलिस लाइन में और अपना बंद पत्र मुचलका वगैरह कराकर और उनको छोड़ा है। सर, बढ़ते अपराध को लेकर क्या आपके कदम उठाए जा रहे हैं? जो भी जिस तरह का मतलब आप अपराध या इस तरह की स्थितियाँ आ रही हैं उनमें कार्रवाई की जा रही है और निरंतर जैसी जैसी स्थितियाँ रहेंगी उसमें कार्रवाई करेंगे। वैसी अपराध और ऐसी स्थिति कोई विशेष नहीं है, ना उनको पूछे जाने पर कोई उन्होंने ऐसी घटना विशेष बताई है जिस पर उनको खास आपत्ति हो। बाकी सामान्य तौर पर कानून व्यवस्था के लिए जो जरूरी है वो कदम उठाए।